विकी भाई, जो दूसरा मैच हुआ आपसे शुरू करते हैं। अफगानिस्तान ने भी अच्छा खासा टफ टाइम दिया इंग्लैंड को। देखिए, मैच जो है वो पर्थ में हो रहा था और पर्थ में बड़ा मुश्किल होता है एशियन टीम्स के लिए जाके करना। हम उस ग्राउंड में खेले हैं जिसका हमने आपको बताया भी था, जिक्र भी किया था पिछले एक दो एपिसोड से। वो मिल गए और किसी भी एशियन टीम के लिए मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ पे एक तो नया स्टेडियम है, नई विकेट्स है, उसमें बाउंस बहुत ज़्यादा, ऊपर से आज देखा आपने कि उन्होंने बाउंस के अलावा देयर वाज अ लॉट ऑफ ग्रास ऑन द पिच, सो वो भी फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा हेल्प करती है। कहीं पे भी हम देखें तो देखें, अफगानिस्तान हैज ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। हमें पता था कि उनके कुछ प्लेयर्स हैं जैसा गुरबाज जो है वो अच्छी फॉर्म में थे, आज वो भी रन नहीं कर सके। और फिर जो जरदान है वो नॉट जजई तो काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इब्राहिम ने आज एक थोड़ी सी बेहतर खेली है, बट अगर हम उसको ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें तो हम लोग देख रहे थे कि जी ज्यादा से ज्यादा नजीबुल्लाह जरदान जो है वो एक अच्छी फिनिशिंग कर रहे हैं उनके लिए, इज अ गुड फिनिशर। हमने देखा नबी जो है वो इतनी देर से फॉर्म में नहीं है, इट्स मोस्टली गुरबाज और उसके इर्द गिर्द ही इब्राहिम और जरदान के नजीबुल्लाह के। ये एक्सपेक्टेड था, इंग्लैंड की टीम बहुत विनो के वो T20 स्पेशलिस्ट है, उनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, एक्सपेक्टेड नहीं, प्लान्स बहुत अच्छे थे उनके, उनकी एग्जीक्यूशन, उनके पास एक ऐसा बॉलर है जो मिडल में आके आपके ऊपर प्रेशर डालता है मार्क वुड की तरह, क्रिस वॉक्स नए बॉल के साथ हमेशा बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो कभी थोड़े अरसे पहले लोगों को लग रहा था ही वॉज द वीक लिंक इन द इंग्लैंड टीम, वेदर ही इज इन द टेस्ट स्क्वाड, वेदर ही इज इन द T20 और वन डे, वो है सैम करन। बट आज जिस तरीके से सैम करन ने बॉलिंग की है, बड़ी अच्छी बॉलिंग की, नॉट इवन ऑस्ट्रेलिया सीरीज, जो पाकिस्तान में एशियन विकेटों में उन्होंने बॉलिंग किया, दैट शोज के उसके पास पेस नहीं है, बट ही हैज अ वेरी गुड क्रिकेटिंग माइंड और उसके पास स्किल्स है और वो बहुत अच्छा रीड करता है उसका एक वहां भाई आपने देखा होगा जो प्लस पॉइंट आया, बाउंसर यूज करना शुरू हो गया, वो अब डिसीव कर रहा है बाउंसर, आज उसने काफी अच्छा यूज किया है, अब वो हर ओवर में एक आध बाउंसर लाजमी कर और रहा है। उसकी वजह यही है कि वो सरप्राइज करता है, उसकी पेस इतनी नहीं है ना, तो सलीम भाई बता सकते हैं एक बॉलर जिसकी पेस ना हो और वो अचानक से आपको बाउंसर करके सरप्राइज कर दे, तो फिर यू आर नो वेयर कि मैं खेलूं या छोड़ूं, क्या महसूस होता है ऐसी कंडीशन में। देखें, जो सबसे अच्छी चीज़ है ना कि उनके कैप्टन को उस पर कितना कॉन्फिडेंस है कि उसने आखिरी ओवर उसके रखे हुए हैं जिसकी पेस कोई नहीं है और उसको पता है कि ये बंदा जो है क्रिकेटिंग सेंस पे वो उसको जज, मतलब उसको ये तो देखे, आपकी इतनी सेंस होनी चाहिए कैप्टन में कि यार उसको पता होना चाहिए कि उसका कौन सा बॉलर या बैट्समैन ऐसे है जिसको मैंने कहाँ यूज़ करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये बटलर की ने उसका इतना दिमाग है कि उसने अपने उस बॉलर को यूज़ किया जिसको शायद मेरे ख्याल कोई भी बंदा नहीं। सही कह रहे हैं, वीक लिंक, ये लोग यही समझते थे कि वीक लिंक है इसको वो लूटने हमने। और हाँ, ये भी होता है कई दफा कि आप अगर वहां से वहाब या आप बॉल कर रहे हो और मैं कह रहा हूं तो कहेंगे यार इसको लूटो, उसमें कई दफा एडवांटेज भी होता है, भी होता है, मगर उसको बॉल बहुत अच्छे कर रहा है। अच्छा, इसमें ना अफगानिस्तान में अगर आप एक चीज देखोगे तो ये इनकी पार्टनरशिप कहीं भी नहीं लगी, होता है ना कोई पार्टनरशिप लग गया, मोमेंटम मिला ही नहीं। ये 20 में एक आपको ज़रूरत होती है कि आपकी छोटी छोटी पार्टनरशिप लगे, मगर इसमें कोई पार्टनरशिप नहीं लगी। फिर क्या हुआ कि जब उनके चार बॉलों पे आउट हुए, चार बॉल एक स्कोर और तीन आउट, एकदम ही टीम उनकी छठे के बाद ना नौवें नंबर तक एकदम आउट हो कोलैप्स कर गए। तो जब आप इस किस्म की आपके एक्सपीरियंस ना हो तो फिर ये आपको ऐसी छोटी टीमों के खिलाफ नज़र आएगा, देखने को मिलेगा कि ये यार ये एक्सपीरियंस से मार खा रही। तो आज मेरा ख्याल टोटली अनएक्सपीरियंस था ये जो आज मैच इंग्लैंड ने लंबा, आप जो सोच रहे हैं कि वो ले गए थे, मेरा नहीं ख्याल कि अगर देखें इंग्लैंड की एक चीज जो सबसे अच्छी चीज है ना, हमें तो वो 14वें 15वें ओवर में ही जो है वो काम उतारते हैं। मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान के साथ बड़ी रियायत की है। नहीं, सलीम भाई वाली बात ठीक है, अब देखें जैसे उन्होंने कहा है ना कि कोलैप्स किए, अब मैं उस दिन ये बात कर रहा था कि जब बड़ी टीमें यही करती हैं कि जहां पे उन्होंने देखा कि हम इनको 100 के अंदर 110 पे आउट कर सकते हैं, उन्होंने मेक श्योर किया कि हम करें, अगर वहां पे वो 140 करवा देते तो आप देखें इंग्लैंड खुद फंस गया, मुश्किल हो जाता। तो बड़ी टीमें यही करती है कि जहां पे मैच किल हो रहा है किल कर दो। लेकिन अफगान बॉलर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, अफगान बॉलर्स अच्छी बॉलिंग यार, देखो 4-24 इंग्लैंड एक बाहर टीम है, वो अपना जो है ना
वो गेयर अपना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज करती है। अगर उनके पास 10 की एवरेज होती ना तो वो 10 की एवरेज से खेलते हैं। आज चूंकि स्कोर इतना कम था उन्होंने आई थिंक कहा कि कंडीशंस को जितना आप देखो उन्होंने कहीं पैनिक रैकेट मैंने आपको जैसे कहा ना कि ये इतना इजी नहीं है उस विकेट पे बैटिंग करना, ग्रास था। और अगर हम देखेंगे, अगर हम फजले फारूकी को कंपेयर करें इंग्लैंड के बॉलर्स के साथ, तो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग जिस तरीके से उनकी बैटिंग लाइन अप आती है, अटैक करती है दोनों तरफ स्विंग कर रहा, लेकिन वो दो क्योंकि दोनों तरफ स्विंग कर रहा था। और इंग्लैंड के कोई भी बैट्समैन होगा, स्पेशली दुनिया का कोई भी बैट्समैन होगा, अगर बॉल स्विंग हो रहा है या सीम हो रहा है तो उसको प्रॉब्लम होती है। सो फजले फारूकी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और उसके बाद हमें यह पता है कि मुजीब और राशिद जो है, दे आर वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द कॉन्टेक्स्ट, तो वो आके आपको प्रॉब्लम करेंगे करेंगे। बट बात वही है कि दे न्यू के हमने वो 8 ओवर कैसे गुजारने हैं। आई थिंक फजले हक का तो 2 पहले ओवर थे, लेकिन उसके बाद उन्हें ये पता था कि मुजीब और राशिद को अगर हमने विकेट नहीं दी और हम इनको आराम से भी खेल गए, तो हम बाकी जो बाकी बॉलर्स हैं उनको हम आखिरी जो 10 ओवर है उसमें हम उनको आराम से पकड़ लेंगे। सो ये टीमों की प्लानिंग होती है, जिस तरीके से वो प्लान करते हैं और जिस तरीके से वो चलते हैं, उन्हें पता था कि उनको किस वक्त क्या करना है, किस टाइम पे उनको गियर शिफ्टिंग करनी है। सो आई थिंक ओवरऑल अच्छा मैच था। अफगानिस्तान को भी कॉन्फिडेंस आया होगा, थोड़ी सी फाइट बैक, 111 पे उन्होंने 4 से 5 आउट किए इंग्लैंड के, तो उनको भी थोड़ा बहुत जो है वो फर्क पड़ा होगा कॉन्फिडेंस आगे जाते हुए। एशियन विकेटें होती ना तो शायद स्पिनर का रोल बहुत ज़्यादा होता, क्योंकि यहाँ अगर वेस्ट इंडीज ये अफगानिस्तान तंग करती ना तो ऊपर से कर सकती थी कि नया बॉल विकेट बाउंसी है, स्विंग होएगा। और शुरू में किया भी बटलर को उसने, लेफ्टी ने अच्छी उसने बॉलिंग की, मगर इतना कम स्कोर था, मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड को कभी किसी वक्त भी मुश्किल। हाँ जी, लेकिन सलीम भाई वही बात होगी ना, 4 ओवर में 13 राशिद ने दिया है और 4 ओवर में बाकी ने दिया है, 140-45 चेस करते और राशिद ने 8 ओवर में वो तो फंसा देते मैच 39, मगर उन पे प्रेशर नहीं था, विकेट प्रेशर नहीं था, फिर वो डिफरेंट खेलते, लेकिन क्योंकि अभी उनके ऊपर प्रेशर नहीं था तो उन्होंने आराम से। अभी अर्ली स्टेज है सब अपना जो है, मगर अभी नवीद भाई के ऊपर प्रेशर नहीं है ना ब्रेक का। अभी अभी मेरे ऊपर है प्रेशर, मुझे कहा जा रहा है कि आपने ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि विकी भाई बात पूरी कर लें। अच्छा, ओवरऑल जिस तरह से आमिर ये मुजीब की परफॉर्मेंस है या फारूकी की परफॉर्मेंस है, तो ये एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। आगे जाके जब मैचेस शुरू हो जाएंगे और सब थोड़ा थोड़ा रीडिंग ले लेंगे तो मज़ा आएगा वर्ल्ड कप का, ऐसा नहीं है? मज़ा तो आएगा, जिस तरह का आज न्यूजीलैंड और उसका मैच हुआ, फिर अफगानिस्तान भी जिस तरह फंसा रही है, अफगानिस्तान ने भी आज फंसाया। मैं तो वही कह रहा था, अगर 140-45 होता तो इंग्लैंड, मैं तो बिलीव करता हूँ कि उनके जो 3 स्पिनर है ना वो 160 कहीं भी कर गए ना, वो किसी टीम को भी फंसा सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का आप रिकॉर्ड देखें बिग बैश का, इन तीनों का बहुत अच्छा, जब भी ये खेले इन तीनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि इनको पता है कि किस लेंथ पे बॉल करना है। चार्ज की बात कर रहे हैं, वाइड बेंच स्टोक था, चार्ज करने के बाद नबी को उसने उसको बोल्ड कर दिया, वो ऐसी लेंथ पे बॉल फेंकते हैं ये तीनों, इनको हिट मारना चाहे बैटिंग विकेट है या नहीं है, ये जहां भी ये 150 प्लस करेंगे 160 प्लस फंसा देंगे, ये किसी को भी फंसाएंगे। सही है। अच्छा, जो विकी भाई के होस्ट हैं ना नवीद, वो तो शो में नहीं है तो वो ब्रेक नहीं ले रहे, मैं हूं बैदुल्ला सिद्दीकी, एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आप बताते हैं विकी भाई आप इस ब्रेक में, क्योंकि आपके होस्ट ने ब्रेक नहीं ली, तो आप अपना तज्जिया जो है वो जारी रखिएगा प्लीज़।